सो दोस्तों, चाइना में आज मेरा साइकिल यात्रा का पहला दिन है। पहले आप देख लीजिए, ये थोड़ा माहौल है यहाँ का। एक छोटा सा टाउन है, पीछे मेरे जो आप देख रहे हो वो टोल टैक्स है। बड़ी टाइट सिक्योरिटी है भाई, उन्होंने मुझसे इतने सवाल पूछे। तो ये आगे भाई फैंग चैंग गैंग सिटी है जो वहाँ पर, इसके इन बिल्डिंग्स के सारे सारे मुझे आगे की तरफ जाना है अगली सिटी के लिए। कि ये देखो यहाँ पतली सी रोड और बीच में देखो ये वॉक करने के लिए या कुछ बना रखा है। नो मैनी नो ओ थैंक यू सो मच थैंक यू टेक इट नो थैंक यू भाई। चाइना में मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है, कोई दूसरी चाय की दुकान पर आया हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट ये बिल पैसे ही नहीं दे रही बोल। मेरे लेफ्ट साइड में जो देख रहे हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इन सब में लोग रहते हैं भाई, कुछ ऑफिसेस वगैरह होंगे। ऐसे साफ होती है भाई रोड, काफी तगड़ा प्रेशर है। हेलो इंग्लिश इंग्लिश आवर इंग्लिश नो गुड ऑफ कोर्स डू यू नो एनीवन देयर आई कैन स्टे। 那这个城市行走，注意吧，我们在这里训练，有帐篷和我。 नमस्कार दोस्तों, मैं इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया साइकिल टूर कर रहा हूँ। इस वक्त मैं चीन में हूँ, चाइना में हूँ, और यहाँ से मेरी विंडो से आप बाहर का नजारा देख सकते हो। बड़ी बड़ी इमारतें आपको नजर आ रही होंगी। हमने पिछले भाग में देखा कि मैं वियतनाम के मोंकई टाउन से मैं चाइना के डोगजिंग पोर्ट होते हुए मैं यहाँ पहुंच गया था, और मैं यहाँ पर पिछले दो दिन से स्टे कर रहा था। आज मैं यहाँ से पहले दिन अपनी राइड स्टार्ट करने वाला हूँ। सो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि भाई चाइना कैसा दिखता है, यहाँ के गांव कैसे हैं, खेत कैसे हैं। जैसे ही मैं इस बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाले एरिया से बाहर निकलूंगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही हैं। तो भाई आज मेरा चाइना में पहला दिन है साइकिल यात्रा का। अभी सुबह के 9:07 हुए हैं, यानी मैं अराउंड 10 के आसपास अपनी राइड स्टार्ट कर दूंगा। फ्रूट्स आपने देखे होंगे चाय की दुकान पर, एक लड़की ने मुझे दिए थे, और ये मेरा रूम था जहाँ पर मैंने स्टे किया। रूम का जो चार्ज था भाई वो था इंडिया के रुपए में 720 रुपए, यानी यहाँ के 60 युआन लगे मेरे इस रूम में। 10:24 हो गई है और ये होटल का रिसेप्शन वगैरह है, बड़ा ही सही था। मैंने यहाँ अपनी लिनन को पार्क कर दिया था, एकदम कोने में अच्छी जगह मिल गई थी, और ये वाटर बॉटल्स भी मैंने भाई रिफिल कर ली। मैं पता आपको प्लास्टिक बॉटल्स खरीदना अवॉइड करता हूँ क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं, लेकिन मजबूरी में खरीदना पड़ता है। इंडिया में तो हर पेट्रोल पंप पे मिल जाता है, लेकिन इन देशों में नहीं है सुविधा। और पता आपको इंडिया में जैसे एक ठंडा पानी आता है, गर्म पानी आता है, यहाँ दोनों में गर्म आता है। ये बहुत एक्सट्रीम हॉट और ये थोड़ा गुनगुना अपनी देसी भाषा में निवाया पानी आता है। तो भाई लो रेडी करते हैं, चलते हैं यहाँ से। सो दोस्तों, चाइना में आज मेरा साइकिल यात्रा का पहला दिन है। पहले आप देख लीजिए, ये थोड़ा माहौल है यहाँ का। एक छोटा सा टाउन है और डोंगसिंग करके, और यहाँ पर रोड्स वगैरह देखो, और साइकिल्स के लिए भाई अलग से बना रखी है लेन है यहाँ पर साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया, लेकिन स्कूटर वगैरह भी चलते हैं, साइकिल जैसे इलेक्ट्रिक यहाँ पर हर जगह मिल जाते हैं। और मैं यहाँ पीछे एक होटल में रुका हुआ था, अब मैं निकल पड़ा हूँ। मैं क्वेंजाओ करके एक जगह है, अब पता है मैं सही नहीं बोल पा रहा हूँ उस वर्ड को, क्योंकि इनका बोलने का लहजा और तरीका काफ़ी अलग है, बट ठीक है मैं आपको मैप में दिखा दूंगा। सो वो यहाँ से 95 किलोमीटर दिखा रखा है। चाइना में एक चीज़ की ये गड़बड़ी है भाई, यहाँ पर साइकिल और बाइक दोनों का लेन नहीं है, पैदल चलने वालों का है मैप में और गाड़ी वालों के लिए है। तो गाड़ी वाले हाईवे पर आप नहीं चढ़ सकते हो, तो मुझे भाई पैदल चलने वाला रास्ता चूज करना पड़ेगा जो 95 किलोमीटर दिखा रखा है। भाई मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ यहाँ से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि मैं जैसे एंटर हुआ था तो इन बिल्डिंग्स ही नज़र आई थी मुझे चारों तरफ बॉर्डर से। मैं वियतनाम से पार करके आया था, तो मैं देखना चाहता हूँ कि भाई जैसे ये बिल्डिंग्स ख़त्म हो जाएंगी तो रोड्स कैसी आएंगी और लोग कैसे रह रहे होंगे, गांव कैसे होंगे, खेतों में क्या बो रखा होगा, वो देखना मेरी इच्छा है भाई। तो चलो देखते हैं, बस ये टाउन ख़त्म होने वाला है मैप के अकॉर्डिंग, ये 5-7 किलोमीटर में ख़त्म हो जाएगा। पॉपुलेशन के मामले में चाइना सबसे नंबर वन पर था आज से कुछ सालों पहले में, तो यहाँ की बिल्डिंग्स को उसी तरीके से बना रखा है कि एक छोटी सी जगह पर कई सारे लोग रह सकते हैं। सारी बिल्डिंग्स ही बड़ी बड़ी हैं यहाँ पर, काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, देखो दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर चारों तरफ, और मेरे उस रूम से तो और बड़ी दिख रही थी आजू बाजू की बिल्डिंग्स। एक चीज़ और मैंने नोटिस की, देखो यहाँ की सारी गाड़ियों के जो नंबर प्लेट्स हैं वो हैं भाई किस कलर की, ब्लू कलर की। इंडिया में ब्लू कलर की होती है भाई जो भी एम्बेसी में जॉब करते हैं उनके लिए, लेकिन यहाँ सब गाड़ियों की ब्लू कलर की हैं, और अपने जो नॉर्मल है उन सब की होती है भाई वाइट कलर की। टैक्सी येलो होती है, बाकी ग्रीन होती है, इलेक्ट्रिक शायद ये इलेक्ट्रिक है तो ये ग्रीन है देखो थोड़ी, बाकी यहाँ पर सारी नंबर प्लेट्स ब्लू कलर की हैं। तो एक ये डिफरेंस है भाई, पहला आप देख लो। दूसरे भाई जो आप स्कूटर से देख रहे हो, इनके ऊपर देखो इन्होंने छतरी सी लगा रखी है, तो एक पूरी फैमिली इसके अंदर बैठ जाती है, मैं नोटिस कर रहा था। और ये यहाँ की इलेक्ट्रिक कार है छोटी छोटी, देखो बढ़िया ना, वुलोंग नाम है इसका, वुलिंग। इस इलाके से थोड़ा सा बाहर आते ही भाई पहला सर्कल आया है, और देखो सब कुछ चेंज सा ही हो गया, कई सारे हाईवेज मिल रहे हैं। मेन हाईवे लेफ्ट साइड में था जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, मैं सिटी के अंदर था, और
इस जगह पर आके सब मिल रहे हैं। कि अगर आप डोंगजिंग में अगर रहकर अगर आप गूगल मैप यूज करोगे तो आपको थोड़ा डिस्प्यूटेड सा ही लगेगा, क्योंकि भाई ऐसे ऐसे रोड्स दिखा रखे हैं जो हैं ही नहीं। मैं उस दिन फॉलो करते करते कोई JH होटल करके था जो उस पर दिखा रहा था गूगल पे, मैं वहाँ जा रहा था तो भाई वो मेरे को नदी में कूदवा रहा था मैप, यार नदी के ऊपर भी रोड बना रखी है ऐसा मैप में, वैसे नहीं था। आधी से ज़्यादा चीज़ें सर्च कर रहा था चाइना की तो वो भी इतना में दिखा रही थी, तो हो सकता है कि ग्लिच हो या फिर ये ढंग से काम ना कर रहा हो यहाँ पर गूगल मैप्स वगैरह, पर ठीक था। कदम ये है कि कहाँ साइकिलिंग करनी है कहाँ नहीं करनी है, इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है थोड़ा सा भी। एक दो दिन में तो हमें हैबिट हो जाएगी कि भाई पता चल जाएगा। राइट साइड में भाई पेट्रोल पंप है, देखो गाड़ियाँ वॉश हो रही हैं मेरे ख्याल से, लाइन में लगी हुई ना। और इनके पेट्रोल पंप पर भी एक छोटा सा मार्ट है थाईलैंड की तरह, और एक मशीन सी लगाकर गाड़ियों को वॉश किया जा रहा है, पेट्रोल पंप के ऊपर ही हो रहा है भाई ये सारा सीन। देखो ये भी एक नई चीज़ देखी है मैंने, अभी तक किसी भी देश में नहीं देखा था कि भाई पेट्रोल पंप के ऊपर ही आप गाड़ी भी वॉश करवा सकते हो, और वो भी बाकी ये लिखा हुआ भाई यू हैव लू जाओक्सिंग डाडो। ये देखो भाई ये था वो जिससे पानी नीचे गिरा रहे हैं, रोड्स को साफ कर रहे हैं, पौधों को दे रहे हैं तो पता नहीं, शायद रोड्स को ही साफ कर रहे हैं इससे, शायद गंदी हो रखी है इसलिए। तो पूरे रास्ते के अंदर उन्होंने ऐसे मार रखी थी लाइन के ऊपर चारों तरफ, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। पीछे जो हाईवे देख रहे हो उस पर लिखा हुआ था कि साइकिल चलाओ नहीं है। अब भाई साहब उधर मैं नहीं गया, इधर आ गया, अब इधर पता नहीं क्या दिखा रखा है, साइकिल का साइन बना रखा है, कौन सी साइड बना रखा है। हाँ अब समझ में आ गया भाई, इस लेन पे मैं साइकिलिंग कर सकता हूँ, देखो राइट साइड में लिखा भी हुआ है, पीछे वो JCP वगैरह काम चल रहा था इसलिए मैं नहीं ला पा रहा था, अब ले आया हूँ। अब भाई साहब इस वाली रोड पर, और सामने लिखा हुआ है स्पीड लिमिट है 60 किलोमीटर पर आवर, साइकिल का साइन भी बना रखा है रोड पे देखो। सो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी रेड कलर वाला मैट साइकिल का, बढ़िया अगर ये मिल जाए पूरे चाइना में तो मज़ा ही आ जाएगा फिर तो। लेट्स सी मैं देखता हूँ आगे जाकर ऐसा है या नहीं है। राइट साइड में हल्के हल्के खेत दिख रहे होंगे। दोस्तों मेरे पहले 12 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं, और ये जो आप लाल लाल रंग की रोड देख रहे हो ये साइकिल्स के लिए, तो भाई ये पूरा 12 किलोमीटर तक तो है, अब आगे का मुझे पता नहीं है या नहीं है। दोस्तों मेन हाईवे छोड़कर मैंने डिसाइड किया कि चलो कुछ गाँव देख लेते हैं, तो चाइना के गाँव के अंदर एंटर हो गया हूँ, ये गाँव की एंट्री है, चलो देखते हैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ। छोटी सी रोड जा रही थी लेफ्ट साइड में, गूगल मैप पे दिखा के जा सकते हो आप, तो भाई लो आ गया मैं गाँव में, और ये क्या पाड़ रखे हैं भाई, ये लो भाई गाँव की रोड पर आ गया लोकल पर, ये स्कूल है सामने, किंडरगार्टन स्कूल समझ लो एक तरीके से। अब ये जो रोड है ये हाईवे के पैरेलल चलेगी, देखो छोटी छोटी दुकानें हैं गाँव के अंदर, ये गाँव के नज़ारे हैं, घर देख लो भाई चाइना के ऐसे से हैं थोड़े, चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है, न्यू ईयर वाला सा ही सीन है। सामने हाईवे है, अपने को हाईवे पर नहीं चढ़ना, ये छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पर, निहाओ यहाँ से थोड़ा आप नज़ारा देख लो भाई, सब्जियाँ भी बोल रखी हैं थोड़ी, और लोग तो काफ़ी मेहनती होती हैं, देखो मेहनत कर रहे हैं खेतों में। अभी कौन सी सब्जियाँ हैं, मटर से लग रहे हैं मेरे को एक तो, और पता नहीं क्या, चलो आगे जाके देखते हैं कहीं पर। ये मक्का है भाई, देखो राइट साइड में मक्का बो रखी है, ये इसमें टमाटर लगे हुए हैं, ये देखो टमाटर भी खूब सारे बो रखे हैं, चारों तरफ टमाटर की खेती कर रखी है इस तरीके से भाई, लठगाड़ के खड़े रख कर रखे हैं। खेत में मैंने स्ट्रॉबेरी देखी थी तो मैं वही देख रहा हूँ कि यहीं स्ट्रॉबेरी फार्म दिखेगा तो फिर मैं आपको लेकर चलूँगा उस खेत में, पीछे था वो मेरे ख्याल से एक ही खेत होगा या फिर इस इलाके में होती होंगी ज़्यादा। और ये सामने लेफ्ट साइड में हाईवे देखो फिर आ गया अपने बाजू में, फिर से दोस्तों मेन हाईवे छोड़कर मैं नदी के किनारे आ गया देखने के लिए, मेन हाईवे यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर रह गया है, और ये देखो लोग नीचे कुछ पकड़ रहे हैं, निहाओ हेलो निहाओ। यहाँ से जिस सिटी में जा रहा हूँ 76 किलोमीटर है, तो ये मेन हाईवे पर चढ़ने वाला, और इस हाईवे को पैक देखो कैसे कर रखा, पूरे फ्लाई ओवर को अच्छे से पैक कर रखा, बड़े बड़े ये लगाकर प्लास्टिक का या किसका लोहे का लगा रखा है, और इस पर साइकिल भी अलाउ नहीं है, साइकिल आपको नीचे नीचे लेकर जानी पड़ेगी। जैसे देखो यहाँ से एंट्री आ गई, मैं पीछे हो एक गांव के अंदर से एंटर हुआ था, पीछे की तरफ था छोटा सा सिटी जैसा ही था, और ये चढ़ गया हूँ। बाकी झंडे देखो चाइना के सब जगह पर लगा रखे, सारे पिलर्स पर। मैं जब भी राइडिंग करता हूँ तो हाईवे पर चलते हुए सिक्के बहुत ज़्यादा मिलते हैं, देखो चाइना का मुझे 1 रुपया मिला है, ये 1 रुपया पता नहीं एक सेंट टाइप से क्या है, शायद ये एक युआन ही है, VGAO लिखा हुआ इस पर पता नहीं क्या है। दोस्तों 28 किलोमीटर हो चुके राइड करते हुए, और ये टोल टैक्स आ गया, अब साइकिल के लिए भी उन्होंने लगा रखा, पता नहीं भाई चार्ज लगेंगे क्या होगा, ये देखो ये पॉइंट तो आ गया साइकिल के लिए भी लगा रखा, अब देखते हैं क्या है, चार्ज लगते हैं क्या होता है। सो दोस्तों वहाँ से मैं अभी निकल चुका हूँ यहाँ पर, और पीछे मेरे जो आप देख रहे हो वो टोल टैक्स है, बड़ी टाइट सिक्योरिटी है भाई, उन्होंने मुझसे इतने सवाल पूछे
इतनी चीज़ें पूछी, इंडिया में कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, क्यों जा रहे हो, और पासपोर्ट चेक किया, फ़ोटो चेक की, वीज़ा चेक किया, फ़ोटो एकदम क्लिक कर रहे थे, मिला रहे थे कि भाई मैं ही हूँ, गया कोई दूसरा बंदा तो नहीं हूँ। काफ़ी टाइट सिक्योरिटी है चाइना में। देखो भाई, एक पहाड़ सा आ गया सामने और यहाँ पर साइकिल का साइन तो बना हुआ है कि इस रोड पर नहीं चढ़ना, बाकी तो चला सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर क्या मेरे गूगल मैप के अकॉर्डिंग यहाँ से दिखा रहा है कि इस तरफ से एक रास्ता दिखा रहा है शॉर्टकट 63 किलोमीटर, और यहाँ से 7 किलोमीटर थोड़ा टर्न होके जाएगा, लेकिन आगे एक बड़ी सिटी आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि हम उस शहर में चलें और थोड़ा देखें, फिर हम आगे निकलें। तो मैं ये सोच रहा हूँ इसी तरफ आगे बढ़ने के लिए, तो चलो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, पीछे था वो पहाड़ जिस पर चढ़कर अब मैं नीचे की तरफ उतर रहा हूँ, और यहाँ से भाई सामने इस सिटी का नज़ारा दिखने लग गया है। इसका नाम भाई बैंग चैंग करके कुछ है, बड़े ही खतरनाक नाम है भाई साहब, कोशिश करता हूँ बोलने की। यहाँ लिखे भी तो नहीं रहते ना, दूसरी कंट्रीज में लिखे रहते हो, इसमें यहाँ चाइनीज़ में लिखे हुए हैं, तो समझ में ही नहीं आ रहा कौन सा शहर आने वाला है। बस इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ कुछ आने वाला है मैप के अकॉर्डिंग। रोड्स इनकी बहुत अच्छी है भाई, मुझे रोड्स बहुत पसंद आई। ये तो इनका मेन हाईवे भी नहीं है, मेन हाईवे पर तो इनकी अलाउ नहीं है साइकिलिंग करना, तो मैं अभी कोई इनके स्टेट हाईवे समझ लो उस पर राइड कर रहा हूँ, और स्टेट हाईवे इनका भाई देखो कितना सुंदर है कर रखा। और अगर आपको यू टर्न लेना है तो उनकी यू टर्न अलग से बने रहते हैं भाई, दिखाऊंगा मैं आपको, देखो थोड़ा आगे चलते हैं, यू टर्न दिखेगा। बाकी ऊपर एक इनका स्तूप सा नज़र आ रहा है, राइट साइड में इनकी सिटी है भाई, देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। चलो चलते हैं शहर में, गेड़ी मार के आ जाते हैं। देखो ये जो सामने आपको बड़ा ही सुंदर सा शहर नज़र आ रहा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही, इसका नाम है फैंग गैंग चैंग। तो फैंग गैंग चैंग पहुँच गया हूँ भाई, और ये समुद्र के किनारे बना हुआ है, ये पूरा जो आप देख रहे हो सी एरिया है पूरा, और बड़ा ही खूबसूरत सा है। और मुझे पहले जो रोड भेज रहा था, पहले जो रास्ता मुझे दिखाई दे रहा था, वो इन पहाड़ों के उस तरफ था, यानी इस सिटी को स्किप करने का वो था, लेकिन मैं आ ही गया फाइनली, सोचा चलो देखते हैं, और मेरा डिसीजन कुछ हद तक सही था। तो ये आ गया भाई फैंग चैंग गैंग सिटी है जो वहाँ पर, और यहाँ लेफ्ट और राइट का ऐसा सा कुछ नज़ारा है। तो दोस्तों, सिटी के अंदर एंटर हो गया हूँ, और रोड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। अभी मैं सर्च कर रहा था कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं घूमने के लिए, टूरिज़म के लिए, तो वैसे तो कुछ खास नहीं है। यहाँ सामने थोड़ा सी एरिया है, और दो चार चीज़ और बताई थी, कोई वाटर स्पोर्ट्स वगैरह हो गए, या फिर कुछ विला वगैरह हैं, तो उधर तो अपने को जाना नहीं है। सो मैं भाई सीधा ही जा रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ से फिर मैं अंदर जाने की सोच रहा हूँ थोड़ी देर में, एक कहीं पर खाना पीना खाने के लिए। ये इस तरफ बहुत ही सुंदर एक पार्क सा बना हुआ है, तो यहाँ पर एक पार्किंग है, वहाँ मैंने लीलन को पार्क करके, और मैं थोड़ा सा यहाँ नज़ारे देखने के लिए आ गया। ये कुछ इलाका भाई इसके, इन बिल्डिंग्स के सारे सारे मुझे आगे की तरफ जाना अगली सिटी के लिए, और यहाँ पर काफ़ी लंबा एरिया पार करना है। ये भाई न्यू ईयर के टाइम का इनका बना रखा है 2024 का, जैसे कि वहाँ पर चुकमुंग नमोई बोलते थे वियतनाम में, यहाँ का पता नहीं चाइना का। और ये यहाँ के कोई वॉरियर्स वगैरह के बारे में है, फ़ोटो वगैरह बढ़िया बना रखी है, तो मैं देखने के लिए आ गया। बाकी ये पार्क बहुत डेवलप कर रखे हैं, आगे तक साइकिल लेकर आ नहीं सकते इनके अंदर, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो पैदल पैदल ही चलते हैं। मेरे ख्याल से चोरी वगैरह तो नहीं करता होगा कोई यहाँ पर, ऐसे ही खड़ी करके आया हूँ मैं। लेट्स सी डोंग जीजम, यानी क्या लिखा हुआ है, देखो सामने यहाँ से आप देख सकते हो समुद्र का नज़ारा, उस ब्रिज से आया था उस साइड से। ये देखो भाई लहरें काफ़ी क्लीन है भाई, नीट एंड क्लीन है सामने। तो ये भाई मैं एक चाय की तलाश में आया हूँ, वो टी शॉप दिख जाए तो वो चाय वगैरह ले लूँ यार, कॉफ़ी वगैरह। देखो यहाँ पर ये नज़ारा है, इन बिल्डिंग्स के बीच में आ गया हूँ, लेट्स सी कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ये देखो यहाँ पतली सी रोड, और बीच में देखो ये वॉक करने के लिए या कुछ बना रखा है, यानी एक छोटी सी रोड बना रखी है, बीच में घूमने के लिए बना रखा है। ये देखो भाई संतरे से मिल रहे हैं यहाँ पर, कितने सारे 5 युआन किलो के हिसाब से, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। अगर वहाँ आंटी जेनी लिखा हो वहाँ जा रहा हूँ मैं, चाय की दुकान पर अभी चाय पीने के लिए। थैंक यू सीसी सीसी, थैंक यू। सो यहाँ पर भाई मैंने ली है हॉट मिल्क टी, एज यूजुअल मिल जाती है यहाँ पर, दूध ही होता है एक तरीके से, वो बड़ा अच्छा है ये दुकान पर। इनके यहाँ के लोगो बड़े स्पेशल लगते हैं, मैंने आपको कल भी दिखाया था और आज भी देखो, आंटी जेनी दूसरे दिन ये दुकान थी, इसमें और भी जूसेस वगैरह हैं, बढ़िया अच्छे हैं, स्वाद है वैसे भाई, मस्त है। और कई सारे लोग यहाँ चाय पीना ज़्यादा पसंद करते हैं चाइना में मेरे ख्याल से, मुझे अंदाज़ा नहीं है बट मैंने सुना है ऐसा। लोगों ने बोल रहे हैं फ्री में, नो मनी नो, ओ थैंक यू सो मच से। थैंक यू नंगसे। भाई चाइना में मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है, कोई दूसरी चाय की दुकान पर आया हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट ये बिल पैसे ही नहीं दे रही, बोल रही नहीं नहीं पैसे नहीं लेने। ओ थैंक्स अ लॉट, ये यहाँ की सिगरेट है चाइना की, उसने मुझे दिया, बोली अगर पी लो पीनी है तो।
अभी ला कर दिया। तो मैं तो स्मोकिंग वगैरह करता ही नहीं हूँ, बट क्या नाम लिखा हुआ है, जेनलोंग लिखा है सिगरेट का नाम। अभी देखो ये मुझसे पूछे डू यू स्मोक, मगर नहीं मैं नहीं पीता हूँ। तो ये मेरे को बोल रही है कि पी लो कोई बात नहीं। टेक इट नो थैंक यू, सही। ओके दोस्तों, गूगल मैप मुझे किसी प्राइवेट कॉलोनी में ले आया। देखो यहाँ पर ये कॉन्डोमिनियम्स बने हुए हैं, जैसे अपन लोग सिंगापुर में थे ना, वैसा ही माहौल है। कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और अलाउ नहीं होता, पता नहीं कैसे आ गया मैं अंदर। यहाँ से एग्जिट होने का रास्ता ये है भाई, इस तरफ से। तो मैं बाहर निकल रहा हूँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ लोग रहते हैं। देखो चाइना में इस तरीके से, यहाँ से दिखा रहा अपने को एग्जिट, सामने आई भी आ गया। अंदर ही देखो छोटे छोटे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने होते हैं ख़रीदने के लिए, कुछ फार्मेसी हैं, कुछ रेस्टोरेंट वगैरह हैं इन कॉलोनी वालों के लिए। चलो जी निकलते हैं बाहर, सुपरमार्केट WJF। मेरे लेफ्ट साइड में जो देख रहे हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इन सब में लोग रहते हैं भाई। कुछ ऑफिसेज वगैरह होंगे और यहाँ मॉल्स वगैरह भी हैं, काफ़ी डेवलप्ड हैं। चाइना के सारे टाउन ही डेवलप्ड हैं। और ये जो फैंग चैंग गैंग नाम की जो जगह है, ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है अगर बिल्डिंग्स की बात की जाए। यहाँ पर एक चीज़ है भाई, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आपको हर मॉल और इनके सामने मिल जाएगा, तो अगर आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। पहले मुझे लगता था पर्सनल होते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर आओ QR कोड स्कैन करो और घूमने जा सकते हो, कहीं भी निकल सकते हो इनसे। देखो ये रे सामने भाई एक ट्रक जा रहा है, देखो वो रोड को धो रहा है, क्लीन कर रहा है भाई पूरी रोड को। देखो मैं सुबह भी देख रहा था और अभी भी ये ट्रक चलते रहते हैं और ये रोड्स को क्लीन करते रहते हैं, तभी मैं सोचूं इतनी साफ सुथरी रोड कैसे है। पूरी रोड्स को क्लीन करते हैं भाई, देखो चारों तरफ ये मार रहा है पोचा सा। ये देखो भाई मैं ट्रक के बाजू में ही आ गया, बगल में ही, ऐसे साफ होती है भाई रोड। काफ़ी तगड़ा प्रेशर है, कोने के अंदर तो कुछ ज़्यादा ही मार रहे हैं, और अच्छे से रोड्स वगैरह साफ कर दें। पहले भी साफ़ कर रहे थे बीच में, और यहाँ भी इससे क्या है कि पेड़ पौधों को भी पानी मिल जाता होगा और दोनों काम हो जाते होंगे। ये भाई अपन इस सिटी से एग्जिट हो गए हैं और अब अपने को मिलेगा भाई टोल टैक्स। तो भाई मुझे तैयार रहना है अपना पासपोर्ट निकाल कर, क्योंकि मुझे पता है पुलिस वाले फिर से पासपोर्ट चेक करेंगे, और अब जाते हैं उनको पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है। पीछे आ गया साइन, 2 किलोमीटर बाद है टोल टैक्स। भाई मेरे लिए तो रोड यहाँ ब्लॉक हो गई, आगे इससे आगे नहीं जा सकता। देखो साइकिल वगैरह कुछ नहीं जा सकती, बाइक पैदल कुछ भी। अब आगे रास्ता पता ही नहीं है किस तरफ जाना है, क्या करना, क्योंकि यहाँ मैप भी काम नहीं करते हैं। ये बड़ी दुख वाली चीज़ है भाई, चाइना में ना बड़ा कंफ्यूजिंग है सब कुछ। एक तो यहाँ की गवर्नमेंट ने सारे एप्लीकेशंस बैन कर रखे हैं, गूगल मैप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकते हो, और वहाँ के यहाँ नहीं चलते और यहाँ के इंडिया में नहीं चलते, तो कुछ भी आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते किसी के साथ भी। तो अब भाई इस तरफ तो जाना अलाउ नहीं है, पहले तो लिखा हुआ था, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। यही एक हाईवे जाता सीधा जहाँ मुझे जाना है। अब मैं एक तरीका है बस मेरे पास, मैं पीछे जाऊँ गाँव के अंदर से आगे जाकर और फिर उधर से निकलूँ। लंबा पड़ेगा वो, काफ़ी लंबा पड़ेगा मेरे गूगल मैप के अकॉर्डिंग, तो वही लेना पड़ेगा भाई, और तो क्या ही कर सकता हूँ। अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। देखो ये है, ये बाजू में सारे छोटे छोटे गांवों के अंदर से दिखा रखा है। ओहो ये बड़े बड़े हाईवे नहीं लेने देते यार। दोस्तों ये रोड आ गई, लेकिन अब इस रोड पर मैं भरोसा नहीं कर सकता, पता नहीं कैसी सी रोड होगी, धूल मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा उड़ रही है। तब मुझे यहाँ से वापस लेना पड़ेगा बैग लेकर। मुझे आगे एक सिटी है चेंग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर से जा सकता हूँ। देखो मैप के अंदर देख सकते हो ये डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ से निकल सकता हूँ। एक रास्ता ये है और एक ये पैदल जाने का रास्ता है। पैदल तो कहीं से भी घुसा देगा यार, पतली सी गली के ऊपर से, कुछ भरोसा नहीं है। वापस वही रूट लेता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ेगा लेकिन सही तो रहेगा, घूमता हूँ वापस। इस इलाके में जाना मेरे को सही नहीं लग रहा, चलो चलते हैं। एयर सामने एक डिस्ट्रिक्ट आएगा, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर से निकल जाऊँगा, ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, 10-15 किलोमीटर एक्स्ट्रा रहेगा, लेकिन एटलीस्ट सेफ साइट तो रहेगी। सबसे बेस्ट काम ये रहेगा, इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा, और कहीं जगह नहीं मिली तो सो जाएंगे कहीं भी रास्ते के अंदर, क्योंकि 4-5 तो बज गए, अंधेरा हो जाएगा। तो इसीलिए यहीं से जाना ठीक है, हवा भी तेज चल रही है। कोई नहीं, इसी रास्ते पे चलते हैं, जो होगा अच्छा ही होगा। चलो जी बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों हाईवे छोड़ने के बाद कुछ ऐसी सी रोड आ रखी है, लेफ्ट और राइट में खेत हैं और हाईवे भी लेफ्ट साइड में ही है। तो वहाँ तो पहले तो चढ़ने नहीं दिया था, अब एक बार फिर जगह आ रही है, वहाँ पर देखूँगा कि चढ़ने देते हैं या नहीं चढ़ने देते हैं। लिखा रहता हाईवे पर चढ़ना ना चढ़ना, बट वही है कि भाई पैदल वाला रास्ता थोड़ा शॉर्टकट दिखा रखा है और हाईवे पर थोड़ा लॉन्ग कट है, तो लेट्स सी। बाकी यहाँ जो भी एरिया है, इसके बीच में एक नदी बह रही है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पता नहीं किन की आवाज़ें आ रही हैं, सुनो ध्यान से, पहाड़ी एरिया थोड़ा सा। तो खेत है यहाँ पर, शायद धान की खेती कर रखी है, और राइट साइड में एक गाँव है, छोटे छोटे गाँव हैं, और इन गाँव में घर हैं वो थोड़े पहाड़ के ऊपर से बना रखे हैं, यानी थोड़ी सी उठा कर बना रखे हैं ज़मीन से,
बारिश वगैरह ज़्यादा होती होगी, कुछ कुछ लोगों के तो ऊपर की तरफ भी है। अगर उस पर रहते तो और अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें क्या है कि भाई साइकिलिंग लेन होती है, दिक्कत नहीं आती। इस पर ट्रक्स भी आ रहे हैं, लोकल गाड़ियाँ भी आ रही हैं और रोड्स काफ़ी नैरो हैं। तो लेफ्ट साइड में है ये माओलोइंग जियांग रिवर है, जिस पर ये ब्रिज बना हुआ है। और इस तरफ देखो, यहाँ ट्रेन इतनी बाजू में चलती है यहाँ पर इस रिवर पर, माओलोइंग जियांग पर। तो ट्रेन की पटरियाँ हैं, ये रोड है। दूसरी बार देखिए, पहले मैंने हनोई से जब मैं एग्जिट हो रहा था चाइना के लिए तब दिखाया था हनोई में वो ब्रिज कितना लंबा था, हालांकि उससे तो बेटर ही है, उससे तो लंबा ही है। और लेफ्ट साइड में एक और है, वो चाइना की ट्रेन के लिए है, पता नहीं कौन सी ट्रेन चलती है। अभी अभी इस पर तो एक मालगाड़ी गई थी, काफ़ी बड़ी थी वो भी, 26 किलोमीटर की दूरी और रही है। शाम के 5:17 हो गए, यानी इंडिया में अभी बजे होंगे भाई साहब 2:00 हुई हैं, और यहाँ हो गए भाई 5:17। तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया दोनों देशों में। उस तो एक पेट्रोल पंप पर रुका था पानी वानी पीने के लिए, पानी था अपने पास वॉशरूम्स के लिए। और यहाँ देखो गाड़ी वॉशिंग्स होती है, मैं दिखा रहा बता रहा था ना आपको पहले मॉर्निंग में, और बंदे जो हैं गाड़ी से नीचे भी नहीं उतरते, देखो अंदर ही बैठे हैं गाड़ी में, और 3-4 गाड़ियाँ एक साथ वॉश हो रही हैं। यहाँ पर थोड़ा वो यूज़ कर रहे हैं, बाकी तो कई अच्छे प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स होते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा यार, कोई कर सकता है किसी के पास पेट्रोल पंप है तो ये अच्छा रहेगा। ये भाई सिटी के अंदर एंटर हो गया हूँ, देखो ये मार्केट सा लगा हुआ है यहाँ पर, पीछे एक यूनिवर्सिटी है मेरे ख्याल से। तो ये सब खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हैं यहाँ पर, इस तरफ सारे कॉलेज और इनके स्टूडेंट्स वगैरह हैं। और मैं यहाँ से अब एंटर होकर अंदर की तरफ जा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। और ये भाई टाउन आ गया है, 6:26 हुई है, 7.7 किलोमीटर दिखा रहा है सेंटर यहाँ का, सिटी सेंटर। बट मैं पहुँच गया भाई यहाँ पर ईजिली आराम से, और मैंने अभी कम्प्लीट कर दिए हैं 98.20 किलोमीटर भाई, यानी 2 किलोमीटर बाद अपने हो जाएंगे 100 किलोमीटर आज। वैसे तो 95 किलोमीटर ही था, लेकिन घूमते घुमाते फिराते हो गया भाई, टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि यहाँ थोड़े रोड्स वगैरह का पंगा है। तो फाइनली बहुत ही अच्छा रहा आज का सफ़र, पहला दिन चाइना में बढ़िया बीता। और अब देखते हैं कोई जगह, टेंट तो नहीं लगा सकते यहाँ कहीं भी, बड़ा मुश्किल है इन जगहों पर टेंट लगाना, लेकिन सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कोई होटल वगैरह देखना पड़ेगा। बस यही मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये खर्चा बढ़ गया होटल्स का, पहले ये खर्चा नहीं होता था, मंदिर वगैरह में रुक जाते थे। अब चाइना में मंदिर मैंने एक भी नहीं देखा, अभी एक देखा था वो पहाड़ के ऊपर, बाकी मैंने सर्च भी करने की कोशिश की है तो मुझे वियतनाम के मंदिर नज़र आ रहे थे। अब पता नहीं यहाँ मंदिर हैं भी या नहीं हैं, या हैं तो किस नाम से सर्च करूँ, वो भी तो पंगा रहता ना। बाकी रोड्स पर तो नहीं है जैसे थाईलैंड और इन कंट्री में, क्या हाईवे पर ही दिख जाते थे अपने को, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखा मुझे अभी तक कोई भी। पीछे सनसेट हो रहा है। ये भाई एंट्री आ गई सिटी की, लेकिन बाकी शहरों से अलग है थोड़ी, मुझे शायद वो वाली रोड लेनी चाहिए थी, मैंने ये रोड गलत ही चूज़ कर ली, बट ठीक है जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ कोई होटल देखता हूँ, देखो सारे चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखे हुए हैं यहाँ पर, पता ही नहीं चलता भाई कौन सा होटल है क्या है। सो देखता हूँ आगे जाकर कहीं पर सेंटर वगैरह में मिलेगा, या फिर इधर आजू बाजू में भी दिख जाए तो ठीक है, कोई गूगल पर सर्च करते हैं तो भी नहीं आता भाई। कोई यहाँ की रेड लाइट पर ये भी डाल रखा है कि साइकिल भी ब्लॉक है, यानी हम लोग साइकिल से भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। रेड लाइट नहीं, ट्रैफिक लाइट पर, मैं ट्रैफिक लाइट बोला करूँगा। एक भाई मेरे को बहुत कमेंट करता है, बोलता है भाई रेड लाइट का मतलब कुछ और होता है, तो भाई ट्रैफिक लाइट पर देखो साइकिल और पैदल दोनों का साइन दिखा रखा, साइकिल से भी क्रॉस नहीं कर सकते हम लोग। लेट्स सी, वेट करते हैं। प्रकृति का नज़ारा देखो भाई, कितनी सुंदर लग रही है पूरी की पूरी रोड, चारों तरफ पेड़ हैं, इस वजह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और काफ़ी ठंडक भी है, इसलिए हमें पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेड़ लगाओगे ना, अब ये पेड़ नहीं होते तो इतना सुंदर नहीं लगता एरिया। अब देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये यहाँ की भाई एक्सपेंग कार देखो कितनी खतरनाक है ना, यहाँ के लोकल ब्रांड है मियाजिया, मार्ट वगैरह हैं बहुत सारे यहाँ पर। चलो भाई घूमता हूँ, यहाँ से लेफ्ट दिखा रहा, लेकिन कहीं भी लेफ्ट लेने की जगह नहीं है, बीच में इन्होंने ये लगा रखे हैं बैरीगेट से, आगे जाकर लेना पड़ेगा, चौक से लेफ्ट लूँगा। एक कुछ ऐसी कॉलोनी में आ गया हूँ, फिर से घूमता घुमाता, गूगल बाबा कहीं भी ले जाते हैं, इनको फॉलो कर रहा हूँ मैं। देखते हैं जब ये लास्ट में ख़त्म हो जाएगी रोड, तब मैं दौड़ना स्टार्ट करूँगा। हेलो हाय, निहाओ निहाओ, आई डोंट नो चाइनीज, नो चाइनीज, इंग्लिश इंग्लिश। इंडो इंदु 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 इंडिया इंडिया Yes, you can what? You can speak. 你要去哪里？你要去哪里？那不是 where you go 什么？Oh, where I'm going? Oh, Hong Kong. 香港。Hong Kong, Hong Kong. Oh, 香港哦。香港，香港。Our English is not good. Oh, your English is not good. Wait, I'm going to translate. I am riding my bicycle. 泰国、马来西亚、新加坡、澳大利亚，然后去。Oh, okay, okay. Host, do you know anyone there I can stay?
在这个城市寻找，最棒不用在里训，因为有我帐篷和我所有的东西。什么主人？去露营也可以找任何房子，你知道谁可以？他说他想再，他想住一晚。इंदौर है इंदौर। 7 बज कर 48 मिनट हो गई और 108 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, यानी ऑलमोस्ट 8 बज गए हैं और मेरे को होटल नहीं मिला भाई। मैंने इतना ढूंढा और जो मिल रहे थे ना वो एकदम ट्यूब मिल रहे थे ना, छोटे छोटे केबिन से जिसके अंदर मैं आ फिट भी नहीं आ सकता, 5-5 फुट के। फाइनली मैंने एक ही होटल देखा, बड़ा ही सही था, बट इतना छोटा रूम है, प्राइस वही है कल वाली जितनी थी 60 युआन, बट ठीक है चलो एटलीस्ट मिल गया। मांग तो 80 रही थी, मैंने नेगोशिएट किया भाई बोल बोल के तब मान तो गई एटलीस्ट। बाकी बोल रही साइकिल अंदर नहीं खड़ी कर सकते, मगर साइकिल नहीं खड़ी कर सकते तो फिर मैं भी नहीं जाऊँगा अंदर। उसने बॉस से बात की, फिर सारा सिस्टम अंदर रखवाने की बात हो गई। अब भाई यहाँ रुक रहा हूँ, बाकी यहाँ एक चीज़ ठीक है, मार्केट सा है और सामने पार्क है भाई, ये देखो सामने दिख रहा है, यहाँ लोग घूम रहे हैं और ये सिटी सेंटर समझ लो एक तरीके का, इस तरफ सारे ब्रांड्स वगैरह सब कुछ है। तो चलो फटाफट अपनी बाइक को अंदर लेकर चलते हैं, नहाते धोते हैं खाते हैं और उसके बाद चलेंगे थोड़ा घूमने के लिए बाहर। ये रूम है एक छोटा सा, कल कितना सही रूम था और आज देखो वही सेम प्राइस में, और वहाँ पर नेगोशिएशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और यहाँ पर देखो आप, बट ठीक है जो है अच्छा है बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई यहाँ पर मैं फटाफट नहा लेता हूँ क्योंकि 8:15 हो गए हैं और फिर खाना पीना भी ढूंढना है कुछ ना कुछ खाने के लिए। सो भाई फटाफट करता हूँ काम रेडी, ओके। और हाँ, जैसे ही मैं नीचे गया सामान लाने के लिए, मुझे क्या बोलती है कि तुम एक काम करो साइकिल को अपने रूम में ले जाओ। भाई साइकिल कहाँ आएगी इस रूम के अंदर, जगह है क्या? तो फिर मैंने बोला भाई मैं ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर लाने की कोशिश की तो हालत ख़राब होगी, उसमें लिफ्ट में जगह ही नहीं थी। फिर मैंने बोला रखने देने दे यहाँ पर, तो बोले ठीक है रख लो। दोस्तों 8:48 हो गई और सामने पार्क है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं थोड़ा घूमना। पहले इस साइड में चलेंगे फिर इस साइड में चलेंगे और फिर उस तरफ चलेंगे, उस लेन में कुछ खाने पीने के लिए देखेंगे बाद में, क्योंकि ये फिर बंद हो जाएगा। तो यहाँ लोग डांस वगैरह कर रहे हैं, इस पार्क में कुछ माहौल ऐसा है, तो चलो देख लेते हैं चल कर। देख रहे हो भाई साहब कितना ज़्यादा मेहनती है, लोग वर्कआउट कर रहे हैं अच्छे से। इस तरफ देखो और लेफ्ट साइड में देखोगे तो अलग ग्रुप चल रहा है, उस तरफ एक और ग्रुप है और उस तरफ एक और ग्रुप है, बड़ा ही खतरनाक माहौल है यार। वाओ, ये तो बड़ा खतरनाक चीज़ है यार। अभी मैं इन लड़कियों से पूछने के लिए गया कि आप ये लोग रोज करते हो या सिर्फ आज ही कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम ऑलमोस्ट करते हैं, यहाँ पर डांस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और वर्कआउट भी हो रहा है इसके साथ में। तो उनको ज़्यादा तो समझ में नहीं आया मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, बट हाँ उन्होंने बोला। अब देखो एक और ग्रुप है उस साइड में, एक और कर रहा है, इस तरफ भी कर रही है और इस तरफ जाएंगे तो भी ये लोग कर रहे हैं और उस तरफ भी कर रहे हैं शायद, मेरे ख्याल से ये कुछ ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन कर रखे होंगे। तो भाई मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ आया हूँ, यहाँ पर कपल डांस कर रहे हैं लोग, देखो ये भी ज़बरदस्त लग रहा है यार। वाओ, सब ड्रेसेस में हैं, अंकल जी का डांस मुझे बड़ा पसंद आया, इट्स ब्यूटीफुल। तरफ भी है, बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं। सो भाई अभी खाना खाने के लिए आए हैं, सबसे स्ट्रगल रहता है खाने के टाइम पर कि खाना क्या खाएं, आखिर यहाँ पर सब कुछ नॉन वेजिटेरियन है, मतलब अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो इस रेस्टोरेंट में आया भाई, देखो ये दिखाई दिया मुझे, तो इनका एक खाना तो हेल्दी होता है लेकिन अपन लोग नॉन वेजिटेरियन खाते नहीं है, तो इनको मैंने बोला है कि भाई तुम लोग जो मीट वगैरह जो सिस्टम है ना वो मत डालना। मैंने तो समझाया कि भाई मैं इंडिया से हूँ तो समझ में आया, फिर भाई उसने बोला ठीक है मैं ये सारी चीज़ ऐड करूँगा, तो फिर वही जो पीनट वगैरह हो गई या फिर जो भी सिस्टम था वो मैंने इनको बोल के, और वो कर रहे हैं अभी, देखते हैं अब क्या आता है उसके अंदर। ओके, सो ये समझ गया मेरी बात, यहाँ पर अपने डक वगैरह हो गया, यानी यहाँ पर बत्तख हो गई या स्नेल, यहाँ पर स्नेल सूप वगैरह बहुत पॉपुलर है, स्नेल वो आपको पता ना हो उसके अंदर, और बत्तख वगैरह ही बहुत पसंद है। ओके थैंक यू। ये लो भाई अपना सूप लिया, बनकर तैयार है और ये रख लिया मैंने इसके अंदर। क्या इनको क्या बोलना पड़ता है कि भाई तुम ये मत देना वो मत देना, जैसे इनमें देखो ये इन्होंने इनके नूडल्स दिए हैं और ये सारी चीज़ें हैं, ये पीनट मैं बोल रहा था आपको, ये ग्रीन कुछ सैलड वगैरह हो गया और इसकी स्मेल मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक लगती है, बट ठीक है खाना ही पड़ेगा, कुछ फ़ायदा ही और कुछ है ही नहीं है। तो भाई ये सारा चीज़ लिए देखो ये वाले, अब ये खाऊँगा भाई। तो ये है भाई मेरे खाने का हिस्सा, और मुझे पता है कि ये मेरे लिए हेल्दी नहीं है कम्प्लीटली, वैसे हेल्दी है लेकिन मुझे और चीज़ें खानी पड़ेंगी। तो भाई मैं अपने ड्राई फ्रूट वगैरह खाता हूँ, फ्रूट्स बहुत खाता हूँ मैं, दिन में जूस वगैरह पी लेता हूँ। ये खाने के बाद मैं एक और दुकान देखी थी, वहाँ पर सोया मिल्क वगैरह हो गया या फिर कुछ और था दूध जैसा था, वो पीने के लिए जाऊँगा। ठीक है भाई, चाइना का फूड ये नूडल्स जो आप देख रहे हो अपने गाँव में होते तो बड़ी एक्सरसाइज, क्योंकि 1 किलो दूध
नहीं अपना चूरमा खा लेते, मज़ा आ जाता। यहाँ ये नूडल्स कहीं काम नहीं आ रहे, ठीक है। लाइफ में कभी अच्छा कभी बुरा सब चलता रहता है, तो हमेशा खुश रहो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चाइना ने यार बहुत ही गलत कर रखा, गूगल को बंद करके मैं कुछ भी सर्च करता हूँ ना यहाँ पर, कुछ भी ना तो उसकी रेटिंग पता चलती और लोकेशन भी टेढ़ी मेढ़ी आती है। और दूसरी चीज़ जो है, यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन देख रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा। और इनकी जो साइट है वो बताई तो थी किसी ने मुझे, वो भी ढंग से मेरे को समझ में ही नहीं आ रही कैसे क्या करनी है, बट ठीक है। ये देखो भाई, यहाँ सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इनमें यहाँ पर आपको टैब करना, सामने QR कोड लगा हुआ, लेकर जा सकते हो। रंग बिरंगी है, देखो येलो कलर हो गया, ये थोड़ा ब्लू कलर का है, अपने दिल्ली में भी है, यूलू करके है, तो भाई उसमें हम खूब गेड़िया मारते थे, इतना इंडिया गेट के चक्कर मारे ना उससे। रात को हम करते थे 12 बजे निकलते थे, 11-12 बजे सबसे पहले हम जाते थे ओज खास सैटरडे को कॉलेज लाइफ में, और उसके बाद भाई वहाँ से हम लोग निकलते थे लेकर उसको इंडिया गेट वगैरह। बहुत मज़ा आता था यार, क्या दिन होते थे, सर्दी हो या गर्मी हो, यूलू इज़ लाइक माय फेवरेट टाइम इन दिल्ली। ये भाई खाना पीना है यहाँ का, मुझे जो खाना है वो आगे जा कर है, मैं वो दूध सा पीने के लिए आया। यस यस, यू कैन गिव मी अकॉर्डिंग टू यू, आई वॉन्ट टू ड्रिंक हेयर एंड ओनली वेजिटेरियन।要问的吗？要。可以跟姐你给我，我想在这里喝酒，而且只吃素。说，你要温的还是要冷的，美女？我打了。Yes, you can give me cold. 我就打正常的给他就可以了。Yes, yes, yes, yes. 是的，你可以给我冷。可以。Okay, okay, yes, yes, yes. 各位。पता नहीं क्या है, मैंने थाईलैंड में ट्राई किया था, अच्छा टेस्ट था। उसके बाद वियतनाम में भी किया था, वो मोंक जी है उनके साथ में, आपको देखा हो वीडियो। और यहाँ भी मैं ले रहा हूँ तो मैंने कोल्ड बोला इनको। ये भाई इनकी रेट्स हैं, ये 6 युआन की, यानी इंडिया की अगर बात करें तो लगभग 70 रुपये के आसपास है। क्या गर्म सी कर रही है, कुछ नॉन वेजिटेरियन ना मिला दे। और सामने हमारा होटल है, वहाँ पर अभी सोने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसके साथ ही अगर आप सब्सक्राइब करोगे, मेरे वीडियो देखोगे, मुझे सपोर्ट मिलेगा, और सपोर्ट मिलेगा तो भाई मैं और ज़्यादा अच्छे से ट्रैवल कर पाऊँगा। और इसके अलावा जैसा भी चाहो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, आप मेरे लिए स्पॉन्सर ढूंढ सकते हो, आप मुझे स्पॉन्सर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।